हम राजमहल लोकसभा का बात करें तो राजमहल में सातवां और अंतिम चरण यानी एक जून को राजमहल में वोट होना है, इसको लेकर के लोगों पे क्या उत्सुकता है, लोग क्या सोचते हैं, कैसे कैंडिडेट चाहिए, कितना विकास हुआ है देश में, कितना विकास हुआ है क्षेत्र में, इन सभी चीजों को लेकर के हम जानकारी लेने पहुंचे। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में वोट का पता है, पता नहीं है, एक जून को वोट है, एक तारीख को। हाँ, क्या कर रहा है इस बार का माहौल? माहौल कैसा लगा? मुझे घूरेगा तब ना जाने का माहौल कैसा लगेगा, कितना विकास हुआ है क्षेत्र का हो या नहीं हो, जानते हैं नहीं जानते ना। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से है? किशोर सिंह नाम है, गांव जयपुर। किशोर शाह जी, वोट राजमहल में कब है पता है? एक जून को वोट। तो क्या मुद्दा इस बार रहेगा, आप चुनाव लड़ेंगे, क्या मुद्दा, क्या विकास के काम होना चाहिए आपके साथ? देखा जाए अभी, जैसे हमारे यहाँ तो छात्र की बात है, गवर्नमेंट की है, लेकिन अभी फिलहाल गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है हर जगह पे, देश विदेश में। कौन सा विभाग अच्छे काम कर रहा है? बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी है हमारे यहाँ पर, मोदी बहुत अच्छे। मोदी जी ख्याल से मोदी जी का लहर होगा ऐसा मोदी जी मोदी जी क्यों ऐसा लग रहा है कि मोदी जी विकास हर चीज हर चीज मोदी है, प्लस गरीबों का देखभाल भी किया है, आवास भी मोदी दे रहा है, राशन वोशन जितना दे रहा था तो मोदी दे रहा है, मोदी किया है। लोकसभा क्षेत्र में जो है इस बार क्या लग रहा है? चुनाव ही बताएगा, चुनाव ही बताएगा। क्या मुद्दा रहेगा वोट डालने का? वोट डालने का मुद्दा यही रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास होना चाहिए, शहरी क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होनी चाहिए। आप देखिए सरकार क्या करेगी, सरकार की नीति क्या रहेगी, पॉलिसी क्या रहेगी, इस पर अमल किया जाएगा। क्या लगता है आपको 10 सालों में, 10 सालों में कितना बदलाव हुआ है? बदलाव देखिए, बदलाव तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है। बदलाव केंद्र सरकार तो बदलाव कर रही है, राज्य सरकार का तो पता नहीं, राज्य सरकार का पता नहीं, राज्य सरकार ठीक से सरकार नहीं चला रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। नहीं नहीं विपक्ष से हम तो ये नहीं मानते हैं, विपक्ष कुछ भी बोले लेकिन सरकार तो हमारी मोदी ही है, क्योंकि मोदी का टारगेट 400 पार है, 400 पार करेगी ये मोदी सरकार। चुनाव मोदी 400 पार क्यों ऐसा लगता है? अरे सब कुछ में विकास हो गया और क्या चाहिए, क्या विकास हुआ? बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, गिनाइएगा। रोड चकाचक हो गया, चावल देता है, साड़ी धोती देता है, और क्या चाहिए, दाल देता है, नमक देता है। विपक्ष वाला तो आज तक तो कुछ किया नहीं, उतना दिन रहा कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी जो कुछ भी किया अभी कोई प्रधानमंत्री को करना नहीं होगा। दुकानदारी कैसे चल रहा है? मंदा है। अच्छा, कस्टमर नहीं आ रहा है? कस्टमर खाली है। क्या कारण है, कारण क्या है? अच्छा, यहाँ हटिया के अलावा और कहीं बेचते हैं घर पे, गांव पे? अच्छा अच्छा, यहाँ पे तोड़ाई भी आते हैं? दो दिन लगता है। कितना इनकम हो जा रहा है, परिवार चल जा रहा है? परिवार चल रहा है, मोटा मोटी चल रहा है, तना खींच करके। खराब है। अच्छा, ये बताइए सरकारी योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला। कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता है, चावल वगैरह ये सब? चावल ही मिलता है सिर्फ। घर उर मिला है? घर तो मिला, फसल पहले। अच्छा अच्छा, तो चावल ये सब मिल रहा है ना। अच्छा, कितना काम हुआ है आपका क्षेत्र में, गाँव घर में कितना बदला है? गाँव क्या बदलेगा उसी तरह, इस बार कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार का चुनाव माहौल क्या है? माहौल जिधर हवा चलेगा उधर जाएगा। नहीं, हवा तो ठीक है, आप समझ सकते हैं, समझदार है, थोड़ा उम्र मतलब कि बुजुर्ग है, तो क्या लगता है माहौल क्या है इस बार? माहौल कैसे होता है, हम लोग अपना बिजनेस मैन है, नेतागिरी नहीं करते सर, नेतागिरी करेंगे तो हम लोग पड़ेगा। हमने लोगों को राय जानने का प्रयास किया, आमतौर पर युवाओं से, फर्स्ट टाइम वोटर है उनसे भी मैंने बात किया, जो बुजुर्ग है महिला है उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया। लोगों का कहना है कि महंगाई जो है, किसी ने कहा महंगाई है, महंगाई है ही नहीं, बेरोजगारी भी मुद्दा है, कि जो भी प्रतिनिधि जो जीत के आए हो क्षेत्र का विकास करें, और कहीं ना कहीं विकास होगा नहीं, कुछ लोग हैं।